हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माय नेम इज़ बुकेश। आई एम एन एंटरप्रेन्योर, ऑथर एंड स्पीकर। दोस्तों, सारे के सारे बिजनेस वाले लोग कहते हैं कि बिना डिस्काउंट के सामान नहीं बिकता, सर्विस नहीं बिकती। और सारे के सारे कस्टमर्स क्लाइंट्स ये कहते हैं कि बिना डिस्काउंट के सामान खरीदने का, सर्विस अवेल करने का कोई मज़ा ही नहीं आता। दोस्तों, ये डिस्काउंट की जो आदत है, ये हम सब के दिल दिमाग में बहुत बुरे तरीके से घर कर चुकी है। और दोस्तों, पहले के ज़माने में ऐसे होता था कि आपको 10% 20% तक डिस्काउंट मिल जाता था, लेकिन आजकल एकदम उल्टा हो गया है। आपको 80-90% भी डिस्काउंट मिल जाता है। अब होता क्या है, 100 रुपये की चीज़ की MRP 1000 रुपीज़ लिख दी जाती है और आपको 90% डिस्काउंट दे करके वही चीज़ 100 रुपये में बेच दी जाती है। इससे ख़रीदने वाला बेहद खुश हो जाता है कि मैंने 90% डिस्काउंट के ऊपर चीज़ खरीदी है, जबकि एक्चुअल में उनको कोई डिस्काउंट मिला ही नहीं है। दोस्तों, ये जब सेल परचेज तक लिमिटेड था, तब तक फिर भी ठीक था, लेकिन अब ये डिस्काउंट की जो हैबिट है, डिस्काउंट की जो आदत है, ये हम सब के दिल और दिमाग में बहुत बुरे तरीके से बहुत गहराई तक घर कर चुकी है। इनफैक्ट, लोगों को अब हर चीज़ में डिस्काउंट चाहिए। उनको अपने काम में डिस्काउंट चाहिए, जितना काम ऑफिस से मिलता है उसका 90-80% ही करना चाहते हैं, जबकि वो सैलरी या इंक्रीमेंट्स 110-120% एक्सपेक्ट करते हैं। ये हमारे रिलेशनशिप्स में भी घर कर गई है। लोग अपने रिश्तों में, अपने फैमिली के रिश्तों में, ऑफिस के रिश्तों में अपना 100% नहीं देते, जबकि सामने वाले से 200% एक्सपेक्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो डिस्काउंट लेने की आदत है, ये आदत जो है हम लोगों को खराब किए जा रही है। चलिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि डिस्काउंट किस तरह से हमारी सुख शांति के लिए और हमारी सक्सेस के लिए ठीक नहीं है। दोस्तों, एक बार दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की, लगभग 8 से 10 साल के। दोस्तों, हुआ क्या कि लड़की के पास बहुत सारी चॉकलेट्स थी और लड़के के पास बहुत सारी डॉल्स थी। दोस्तों, ये जो डॉल्स हैं जो लड़के के पास में थी, वो लड़की को बहुत पसंद थी, और लड़की के पास जो चॉकलेट थी वो लड़के को बहुत पसंद थी, बॉय को बहुत पसंद थी। अब बॉय ने सामने आकर के ऑफ़र दिया, कहा कि मैं आपको ये सारी की सारी डॉल्स दे देता हूँ, आप मुझे अपनी सारी की सारी चॉकलेट्स दे दीजिए। दोस्तों, लड़की ने हंसी खुशी ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया और अपनी सारी की सारी चॉकलेट उस लड़के को दे दी। इसके बदले में लड़के ने अपनी सारी की सारी डॉल्स नहीं दी, बल्कि उसमें से जो सबसे बढ़िया डॉल थी, जो रिमोट कंट्रोल ऑपरेटेड डॉल थी, जो सबसे ज़्यादा मनोरंजन वाली डॉल थी, वो डॉल अपने पास छुपा के रख ली और बाकी सारी की सारी डॉल उस लड़की को दे दी। अब दोस्तों, उस दिन घर जाने के बाद वो लड़की रात को आराम से खुशी से सो पाई। उसको लगा कि मुझे बहुत अच्छी डील मिली है, मुझे डॉल्स पसंद थी, मुझे डॉल्स मिल गई हैं और मैंने चॉकलेट दे दी जो कि मुझे इतनी पसंद भी नहीं थी। लड़की बहुत खुशी से सो पाई, लेकिन दोस्तों, जो लड़का है उसके मन में एक कसक रह गई। उस लड़के को लगा कि जिस तरह से मैंने सबसे अच्छी डॉल छुपा ली है, कहीं लड़की ने भी उसी तरीके से सबसे अच्छी चॉकलेट तो नहीं छुपाई मुझसे। अब देखिए दोस्तों, एक्चुअली लड़की ने कोई चॉकलेट छुपाई नहीं थी, लेकिन क्योंकि ये जो लड़का है इसने अपनी डॉल छुपाई थी, तो उसको लगा कि शायद लड़की ने भी चॉकलेट छुपा ली हैं। और दोस्तों, इसी चिंता में ये लड़का आराम से सो नहीं पाया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम लोग हर कहीं डिस्काउंट ढूंढने लग जाते हैं और अपना 100% नहीं देते हैं, जबकि सामने वाले से हम पूरा एक्सपेक्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो आदत है अपना 100% नहीं देने की, ये बहुत बुरी आदत है। इनफैक्ट, इससे हम अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में और अपने रिश्तों में फेल होते रहते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं। अगर सफल होते भी हैं तो उस लेवल पर, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से सफल नहीं होते जितना कि हमारे अंदर पोटेंशियल होता है, जितना कि हमें सफल होना चाहिए। दोस्तों, हम बहुत हाई लेवल की सफलता या बहुत हाई लेवल का सुख डिज़र्व करते हैं, और वो सुख या सफलता तभी हमें मिल पाएगी जब हम अपनी जॉब में, अपनी जिम्मेदारियों में, अपने ड्यूटीज़ या कर्तव्यों में और अपने रिश्तों में अपना 100% देने लग जाएंगे। दोस्तों, आप जब भी किसी भी चीज़ में डिस्काउंट लेने की कोशिश करें, सेल परचेज में फिर भी ये ठीक है, लेकिन सेल परचेज के बियॉन्ड किसी भी चीज़ में आप डिस्काउंट लेने या देने की कोशिश करें, तो इस कहानी को ज़रूर याद करें। आप अपना 100% दीजिए, वहाँ पर डिस्काउंट की चिंता मत कीजिए, डिस्काउंट की बात भी मत कीजिए। सारे के सारे रिश्तों में और सारे के सारे कामों में अपना 100% दीजिए, और उसके बाद देखिए आपकी सफलताएं और आपका सुख कैसे मल्टीप्लाई हो जाता है, कैसे एक्सपोनेंशियली ग्रो हो जाता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी, और आगे से आप हमेशा किसी भी काम में या किसी भी रिश्ते में अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने ये यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। इट विल
टेक जस्ट अ सेकेंड, और मैं चाहता हूँ कि ये जो यूट्यूब चैनल है आपके सक्सेस रूटीन का पार्ट बन जाए। आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ, बहुत अच्छे अच्छे सक्सेस टिप्स, सीक्रेट्स, टूल्स, फ्रेमवर्क्स ला के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री में दिए जाएं। दोस्तों, यहाँ पर मैं हर दिन एक नया वीडियो लॉन्च करता हूँ आप लोगों के लिए, और मुझे आप लोगों ने अभी तक बहुत सपोर्ट किया है। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल योर सपोर्ट, एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।